वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो अभी क्या है कि आज से घर पे भी ब्लॉग आएगा, घर का भी ब्लॉग आएगा। यहाँ पे सब अभी सो रहे हैं, मोहित सो रहा है। यहाँ पे लड्डू का देखिए बदमाशी, थोड़ा लड्डू कुछ ज़्यादा बदमाशी कर रहा है। यहाँ पे लैपटॉप चला रहा है, सॉरी लैपटॉप नहीं कंप्यूटर चला रहा है। लड्डू लड्डू क्या कर रहे हो, क्या लड्डू यही सब बदमाशी करता रहता है, माउस तोड़ देगा। और भाभी का ऑर्डर क्या है भाभी, ये सिंघाड़ा जो फास्टिंग करते हैं उसके लिए मंगाया। ओके यहाँ पे लड्डू का बदमाशी, ये सब्जी बन रहा है। गैस खत्म हो गया है तो आज इंडक्शन पे सब्जी बन रहा है, सोयाबीन आलू, ये सोयाबीन और आलू। तो आज से घर का भी ब्लॉग आएगा, मतलब घर का बाहर का सब ब्लॉग आएगा। तो ठीक है, अभी ऑर्डर आया, क्या है भाभी, साड़ी क्या क्या है लड्डू, पॉपलेट 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 दिस इज साड़ी पॉपलेट लड्डू पॉपलेट। मतलब लाइक करो कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, बोल दो इसमें राधे राधे हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री राम जय श्री राम, यहाँ पे कुछ बोल दीजिए, जय राम जय जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, श्री राम। जय श्री राम जय श्री राम। कटोरी में चाय पीजिए। जय श्री राम। तो अभी देखा आपने कि हमारे घर बाबा जी आए हैं। तो ये क्या है कि हम लोग के यहाँ जो बिहार में रहते हैं इनको अगड़ बोलते हैं, जैसे कि ये हमारे लिए भगवान स्वरूपी है। तो इनको हमसे जितना होता है हम उतना उनके लिए करते हैं। जैसे बिहार में होता है कि यहाँ चावल आटा जो भी है अपने से दिया जाता है, तो ये बाबा जी ने बस अपने लिए चाय मांगा है तो अपने तरफ से कुछ देना बनता है हम लोगों के लिए। ये ले लीजिए, ये क्यों बना रहा है, ये क्या है कि हम लोग क्या होता है जिसे वीडियो बना के यूट्यूब पे डालते हैं। अच्छा ये ले लीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि परिवार मेरा कुशल मंगल रहे, खुश मंगल रहो, राम आपके घर परिवार में शांति रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, जय श्री आपके घर में शांति खुशी दे और आपके काम शुद्ध हो सदा। जय श्री जय श्री। ठीक है चलते हैं, बड़े भैया को बुलाओ तुम्हारे को। ए लड्डू भैया हमको थोड़े खवाओ। क्या खा रहे हो लड्डू, क्या खा रहे हो, खिलाओ थोड़े प्यार। क्या खा रहे हो लड्डू, लड्डू भाई, अरे भाई थोड़े खिलाओ। लड्डू लड्डू अभी बोला लीगू बाबा, लालू बचाओ 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 बचाओ। तो लड्डू भाई लड्डू ने क्या बोला, बचाओ बचाओ, इसका सबसे ज्यादा ये बोलता है बचाओ बचाओ, जो भी कुछ करता है इसको पकड़ता है तो बोलता है बचाओ बचाओ। लड्डू खिलाओ यार लीगू बाबा। क्या है लड्डू, लड्डू चुप, क्या है लड्डू, ये मिठाई जा के अंदर कितना खराब करेगा, क्या लाना पूरा मिठाई, दिन भर मिठाई खाओगे तो वो पेट में जाएगा तो पूरा गंदगी फैल जाएगा ना, पूरा कीटाणु पड़ जाएंगे इतने बड़े बड़े, जो काटी होते है ना काटी कट्टी वो काट देगा। आज आवाज चाय चाय यस चाय। तो अभी आए अनुराग भाई यहाँ पे लड्डू के साथ एंजॉय कर रहे हैं, मार दे बाबा।
रुमाल दे, लड्डू का रुमाल दे। लड्डू मेरी तो हालत खराब हो गई थी, मेरा पेपर आ गया लेकिन मैं बच गया लड्डू। अभी मेरा प्रेम भी पेपर होगा लड्डू। चुप जलवा है तुम्हारे। चुप अनुराग का बदमाशी करोगे लड्डू इसी से पिटाओगे। पिटाओगे ना, पिटाओगे इसी से, इसी से पिटाओगे लड्डू तुम। बदमाशी करोगे इसी से पिटाओगे। तो गाइस जब अभी नहा के आ गए छत पे, ठंड बहुत ज़्यादा है, छत पे भी धूप नहीं आया है। यहाँ पे सब मीटिंग हो रहा है तो दिखा नहीं सकते, फिर क्या पता अगर देखें ब्लॉग तो बोलेंगे कि ये सब कर रहा है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। बहुत ठंड है भाई, इतना ठंड है कि पूछिए मत। देखिए अभी धूप भी सही से नहीं निकला है, ऊपर से हवा बहुत तेज है, ठंड बहुत ज़्यादा है भाई। यहाँ पे लड्डू का जो गाड़ी है सब यहीं पे रहता है, ये गाड़ी। और जैसे कि आपको दिखाने वाले थे कुछ दिन पहले ही, देखने को मिलेगा, तो अभी दिखा रहे हैं आपको एक बहुत ही शानदार, मतलब शानदार क्या, हमारे दादा उदा खेलते होंगे उस टाइम का कैरम बोर्ड। तो देखिए ये कैरम बोर्ड देख के आपको लग गया होगा कि ये कितना हजारों साल पुराना ये कैरम बोर्ड। तो अभी जाने वाले हैं हम लोग एक फ्लैट देखने, अनुराग भी आया है, मोहित है, तो हम तीन लोग जाएंगे फ्लैट देखने, फिर देख के आते हैं क्या हाल है कैसा है, तो फिर अच्छा होगा तो ले लेंगे। तब तक के लिए आप ब्लॉग इंजॉय करिए। गाइस जा रहे हैं रूम देखने, थोड़ा रूम बोल रहे हैं, फ्लैट देखने जा रहे हैं। हम हैं, अनुराग है, मोहित है, वो आगे हैं। तो ठीक है चलते हैं, डायरेक्ट आपसे रूम पे मिलते हैं। गाइस अभी हमारे अनुराग भैया रूम देख चुके हैं और अभी रेंट फिक्स नहीं हुआ है, फिक्स हो जाएगा उसके बाद फिर रूम ले लेंगे, हमारे पास ही रहेंगे। बताइए अनुराग भैया कितना रेंट बताया वो? अरे बहुत महंगा बताया। कितना कितना रेंट का हिसाब ये है कि जैसे आप 10 लोग को रखेंगे यहाँ पे, चाय नाश्ता वगैरह सब कराएंगे, तो उसका पैसा आपका लगेगा। और रूम का रेट पूछ जा रहा है, रेस्टोरेंट का नहीं। अच्छा सॉरी। तो आपको अगर रूम लेना है, आपको चाहिए फ्लैट, तो हमसे बताइए, हम डीलर हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे। अगर चाहते हैं कि जिसे बात करें वो बंदी हो तो वो भी हो सकता है, चलिए हमारे ऑफिस। देख रहे हो भाई, इस इन लोग का गलत सोच है, ये लोग काम करने के लिए रूम नहीं ले रहे, घटिया पे करने के लिए रूम ले। अनुराग भाई चले गए अपने ऑफिस पे और हम लोग जा रहे हैं घर। घर का भी हल्का फुल्का लेंगे ब्लॉग, उसके बाद ब्लॉग को एंड करेंगे, क्योंकि आज थोड़ा मन नहीं है ब्लॉग बनाने का, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है ऊपर से। और यहाँ पे इसको आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट करके बताइएगा। हमारे यहाँ इसको चिनिया बादाम बोला जाता है, जो कि बिहार में है इसको चिनिया बादाम बोला जाता है। तो यहाँ पे पूरा पैकेट एक पैकेट खरीद के जा रहे हैं हम लोग, तो मिलते हैं आपसे घर। तो गाइस रूम हम देख के आ गए हैं, थोड़ा अच्छा लगा हमको एक रूम जो कि यहीं पास में है हमारे, तो फिर वहीं से घूम फिर के आ गए हैं। तो यहीं पे करते हैं इस ब्लॉग का एंड, मिलते हैं आपसे कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। तब तक आप लोग ब्लॉग इन्जॉय, अच्छा आपको ब्लॉग लगा होगा तो वीडियो को शेयर करिए, ताकि और ज़्यादा मेरा जो होता है कि हौसला बढ़ेगा, तो फिर अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।